जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आपके अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जैसे कि इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। हिंदी वर्णमाला में हमने इस प्रकार से पढ़ा है कि एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो वो नहीं छूटेगा। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम समास के बारे में समझेंगे। समास बेसिकली दो शब्दों सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द। अर्थात समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे, समास दो शब्दों सम का अर्थ होता है संक्षिप्त तथा आस आस का अर्थ होता है शब्द या कथन। समास दो शब्दों सम तथा आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, ठीक है दोस्तों। अब हम समास की जो परिभाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे। समास बेसिकली होता क्या है? दो या दो से दो या दो से अधिक शब्दों से बना सॉरी बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात यह सार्थक का मतलब से सार्थक का जो अर्थ होता है सार्थक का अर्थ होता है कि जब हम दैनिक दैनिक दिनचर्या में जो है शब्दों का यूज करते हैं उनका पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है दोस्तों। अब दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, प्रयोग के लिए साला। इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें चार शब्द हैं, प्रयोग के लिए साला। प्रयोग अलग है, के अलग है, लिए अलग है, साला अलग है। इससे जो हमारा एक समस्त पद बनेगा प्रयोगशाला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समास प्रक्रिया में प्राय दो शब्द होते हैं, पहला पद या पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, प्रयोगशाला प्रयोगशाला ये एक शब्द है। तो इसमें हमने देखा जो समस्त पद के बाद बना था एक शब्द है ये। तो प्रयोग जो है हमारा पूर्व पद है,
और साला हमारा उत्तर पद कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो समाज में है व्यक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे प्रयोगशाला का क्या था, पहले प्रयोगशाला था, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए साला, तो इसमें हमारी जो विभक्ति है के लिए, इसका लोप होने के बाद में प्रयोगशाला बना था। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो समास में है तो उसमें समास में जो समस्त पद लिखा जाता है एक साथ विग्रह के, जो विग्रह होने के बाद जो समस्त पद लिखा जाता है, तो उसमें हमारा जो विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे इसमें प्रयोगशाला में के लिए का यह लोप हो गया। और तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे समास के भेद। ठीक है दोस्तों, समास के भेद के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद, अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आए समास के भेद कितने होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, आप आंसर में लगाएंगे 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 पे हमारा देखो समास है, देखो समास, नंबर 5 पे हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नंबर 6 पे हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो हमारे प्राचीन काल के लेखक थे वे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास को एक ही समास मानते थे। लेकिन वर्तमान के जो हमारे लेखक हैं उन्होंने समास को 6 भेदों में विभाजित किया है, जो हमने लिखे भी हैं। इसके बाद में हम समास का प्रधानता के आधार पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर हम पढ़ेंगे, हम पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ेंगे अब पूर्व पद जिसमें प्रधान होता हो, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। दूसरे में जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह है तत्पुरुष समास। समास तो ऑलरेडी लिख रखा है, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। ठीक है, दोनों पद प्रधान वाला एक ही समास है द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान है बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य तीसरा पद, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से एक
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूँ जो भी अभी तक हमने पढ़ा। जैसे कि आप पहले इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप एक उदाहरण फिर से समझते हैं। जैसे प्रयोगशाला है, समाज विग्रह है, पहले मैं लिख देता हूँ जब तक उन्होंने पढ़ा, समाज विग्रह है। अभी प्रयोग के लिए साला हमने लिखा था, प्रयोग के लिए साला। फिर हमारा समस पद बना, समस पद प्रयोगशाला। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो पूर्व पद पहले बता रहे थे, पूर्व पद इसमें दो पद हैं प्रयोगशाला में, प्रयोग तथा साला। तो प्रयोग पद जो प्रयोग है हमारा इसमें, ये पूर्व पद है, साला हमारा उत्तर पद है। उत्तर पद, ठीक है। देख यहाँ देखो, समस जो समास विग्रह है, जो हमने समास विग्रह लिख रखा है यहाँ, तो समास विग्रह में जो समास विग्रह समस्त पद बनाया हमने, तो उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अव्ययीभाव समास की मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है, आप यहाँ बोर्ड पर भी देख सकते हैं। और मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान तथा मुख्य होता है, या फिर हमारा उपसर्ग या अव्यय होता है, हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वह भी हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसमें जो हमारे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, इसमें कुछ पहचान होती है, जिस समास का पहला पद या यथा यावत प्रति भर आदि हो तो वह समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके उदाहरण देखें, मैंने उदाहरण लिखे हैं, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन हमारा जो समस पद है जो इसका विग्रह करेंगे, प्रत्येक दिन आएगा, जिसमें हमारा जो पूर्व पद है या अव्यय जो है हमारा प्रति है। ऐसे ही फिर हमने लिखा आजन्म, जन्म से लेकर आजन्म में हमारा जो पहला पद है आ, वो हमारा वो है अव्यय, या हमारा बोल सकते हैं उपसर्ग है। फिर हमने लिखा है हाथों हाथ में क्या होता है, हाथों हाथ में हमारा पहला जो पद है हाथ, वो पूर्व पद होता है, तथा हाथों दूसरा जो उसमें उत्तर पद है वो भी हाथ ही होता है। फिर दिनों दिन लिखा है, हमने लिखवा दिया पहले ही, जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, दिनों दिन में, दिन ही दिन में, तो दिन हमारा जो पूर्व पद है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अव्यय है, उपसर्ग है। तो इसके बाद हम दोस्तों अब तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तत्पुरुष समास की हमने जो परिभाषा लिखी है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो तत्पुरुष समास में पहला पद हमारा गौण रहता है और तथा उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, तथा इसमें जो कारक चिन्ह है उनका जो लोप हो जाता है, कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष की संख्या 6 होती है। ठीक है, अब मैं आपको लिखवाऊंगा कारक, कौन कौन से 6 कारक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष की संख्या 6 होती है। मैंने कारकों की संख्या लिखी हुई है और कारक चिन्ह भी लिखे हुए हैं जो होते हैं। कर्म है, कर्म में जो कारक हमारा तो होता कर्म, एक होता करण, एक होता संप्रदान, एक होता आपादान, एक संबंध, एक अधिकरण। ठीक है दोस्तों, जो कर्म का जो कारक चिन्ह है को है, करण का से के द्वारा है, संप्रदान का को के लिए है, आपादान का से अलग होने के सेंस में है, संबंध रे रा री का की के नानी आदि शब्द हैं, अधिकरण में मे पर ऊपर हैं। बेसिकली हिंदी में जो कारकों की संख्या 8 होती है।
कर्ता संबोधन। कर्ता संबोधन में अरे, तो हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने के लिए, संबंध रे रा री कागी के नानी ने, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे हो भव आदि शब्द आते हैं। तो हमने बताया जो तत्पुरुषों की संख्या है कार के आधार पर 6 होती है, मैंने लिखवा दिया था कि हिंदी में जो कार चिन्ह है वे 8 हैं, तो इसमें हम 6 होते तो ये नहीं होता एक तो हमारा तत्पुरुष समास में, एक ये नहीं होता संबोधन। उसके बाद में हम इसके उदाहरण समझेंगे, ठीक है दोस्तों, हम तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि हमारा विग्रह लिखा हुआ है इधर समस्त पद लिखा हुआ है, यहाँ गगन को चूमने वाला तो क्या बना गगनचुंबी, इसमें जो को है उस विभक्ति को विभक्ति का लोप होकर के हमारा गगनचुंबी बन गया है। इसमें हमारा कौन सा कारक है, इसमें हमारा करण है, करण का जो हमने बताया था करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है को है, तो इसमें हमारा गगनचुंबी बन गया दोस्तों। अब ये दोष शोक से ग्रस्त है, तो इसके बाद समस्त पद हमारा क्या बना शोक ग्रस्त, तो इसमें क्या है हमारा से विभक्ति है, से विभक्ति का लोप होने का शोक ग्रस्त बना है। तो हमने करण से सॉरी कर्म है हमारा ये, फिर हमारा एक करण है, ये करण कारक है, तो करण कारक में से होता है और हमारा कर्म में को होता है। फिर हमारा होता है दूसरा उदाहरण मतलब तीसरा उदाहरण परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन बना तो के लिए हमारा लोप हो गया, तो हमारा संप्रदान कारक है क्योंकि संप्रदान कारक में जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। फिर हमारा है आपादान, यह आपादान का उदाहरण है जल से हीन, क्योंकि आपादान कारक में जो है हमारा विभक्ति चिन्ह जो कारक चिन्ह होता है से होता है, तो से जो विभक्ति का लोप होने के बाद में हमारा जलहीन शब्द बना। फिर होता है हमारा संबंध, इस संबंध का उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, जो संबंध में हमारा राजा का कुमार है, तो फिर हमारा राजकुमार बना, तो हमारे यहाँ क्या विभक्ति का लोप हो गया है, हमने लिखवाया था अधिकरण में जो है अधिकरण कारक में जो कारक चिन्ह हमारा में होता है, तो गृह में हम प्रवेशी तो करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा गृह प्रवेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, उसके हम परिभाषा लिखवाएंगे और उदाहरण समझेंगे। अब कर्मधारय समास के बारे में समझेंगे हम, कर्मधारय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य कोमा उपमान उपमेय का संबंध होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम परिभाषा समझेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या फिर हम कह सकते हैं उपमान उपमेय का संबंध होता है, इसकी पहचान है पहचान, जिस इसमें जो है समस्त पद का विग्रह करने के बाद इसमें जो हमारा विभक्ति होती है के रूपी या के समान या है जो आदि जो हमारे विभक्ति तो नहीं कहेंगे मतलब शब्द होते हैं जो हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण समझेंगे नीलकंठ, तो ये क्या हमारा समस्त पद है, फिर इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर क्या आएगा,
नील के समान कंठ। ठीक है, वैसे दोस्तों ये हम दूसरे इसमें जब समास पढ़ेंगे, जब हम बहुवरी समास पढ़ेंगे तो उसमें भी ये उसी का भी उदाहरण रहेगा, उसे उसमें हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। तो नीलकंठ है, फिर हम कहेंगे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, कमल रूपी चरण। आप देख रहे हैं हमने बताया, अभी बताया था इसमें जो पहचान है, के रूपी के समान है जो, तो इसमें आया है जो चरण कमल है, तो हमारा उत्तर पद कौन सा है, तो कमल है, तो कमल है, तो हमने फिर इसका विग्रह करा तो क्या आया, कमल रूपी चरण। तो हमने बताया था विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है इनमें, आप समझेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है। जो विशेष्य होता है, विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, विशेषण वह शब्द होता है जिससे हम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही उपमान और उपमेय है, उपमेय वह शब्द होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, उपमान वह शब्द होता है जिससे हम करते हैं। अब यहाँ जैसे हमने लिखा है चरण कमल, तो हमने चरणों की जो तुलना करी है कमल से कर दी, ठीक है दोस्तों, जो चरणों की तुलना हमने कमल से करी है, तो चरण क्या है हमारा, उपमान है, कमल क्या हमारा विशेष्य है, सॉरी उपमेय, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं विशेषण है, विशेषण, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है, क्योंकि हम यहाँ चरण की तुलना कमल से कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा विशेष्य है। विशेषण क्या है, जिससे तुलना कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं चरणों की तुलना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्विगु समास, जिस समास में उत्तरपद प्रधान होता है तथा विशेषण विशेषण हमारा संख्यावाचक होता है, तथा विशेषण संख्या वाचक होता है, द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिस समास में उत्तरपद प्रदान होता है तथा विशेषण जो हमारा संख्या वाचक होता है, द्विगु समास कहलाता है। अब उदाहरण के बाद हम समझेंगे, त्रिकोण है, त्रिकोण में ये क्या समास पद है, समास पद, तो ये क्या है, अगर विग्रह करेंगे तीन कोणों का समूह, या फिर हमारा आएगा अब चतुर्भुज है, चार भुजाओं का समूह, भुजाओं का समूह। तो इसमें हम देख रहे हैं जिस समास में उत्तरपद प्रधान होता है तथा विशेषण संख्यावाचक होता है, द्विगु समास कहलाता है। इसमें पहचान है, जो हमारा जो विशेषण है हमारा संख्यावाचक। दोस्तों एक उदाहरण और समझेंगे, चौराहा, चार रास्तों का समूह। तो मैं फिर बता देता हूँ, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें बाद में समूह या समाहार शब्द आता है, और जिसमें हम विशेषण है, जो विशेषण होता है पहला शब्द जो हो रहा है हमारा विशेषण है,
तो ये हमारा संख्यावाचक होगा। इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे द्वंद्व समास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे हम। वह समास जिसमें दोनों पद पूर्व पद तथा उत्तर पद, वह समास जिसमें दोनों पद ब्रैकेट पूर्व पद तथा उत्तर पद ब्रैकेट बंद प्रधान होते हैं, होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। समास कहलाता है। पहचान, पहचान है इसके समस्त पद में योजक चिन्ह तथा विग्रह करने पर अथवा कोमा या कोमा और अथवा या और कोमा तथा शब्द आते हैं। आते हैं तथा पूर्व पद एवं उत्तरपद एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको परिभाषा समझा देता हूँ। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान होते हैं, तथा जो पहचान बता रहा हूँ मैं, इनमें जो समस्त पद में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर इनके मध्य अथवा और एवं तथा आदि शब्दों का समावेश होता है। ठीक है, और ये इनमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण हम देखते हैं। माता पिता, ये समस्त पद है, विग्रह करने पर, विग्रह है इसका माता पिता का, माता और पिता माता और पिता तेज धीमा, तेज और धीमा, सॉरी तेज तथा धीमा आएगा, तेज तथा धीमा। राजा रानी,
तो इसका विग्रह करने पाएगा राजा और रानी। नर नारी, नर एवं नारी। देखो आप समझ सकते हैं, मैंने लिखवाया था जो इनमें दोनों पद हैं वे एक दूसरे के विलोम होते हैं। माता, माता का विलोम क्या होता है? पिता होता है, पिता का विलोम माता होता है। तो एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के विलोम है। और इनके बीच में जो विग्रह करने पर जो शब्द आ रहा और आ रहा है, तेज धीमे में क्या आ रहा है? तथा आ रहा है। ऐसे ही राजा रानी में राजा और रानी एक दूसरे के विलोम है। इनके जो विग्रह करने के बाद कौन शब्द आ रहा और आ रहा है? यह नर नारी है, नर नर और नारी एक दूसरे के विलोम है। इनका जो विग्रह करने के बाद क्या आ रहा? एवं आ रहा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं तथा कोई अन्य पद प्रधान होता है। प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहलाता है। एग्जाम्पल समझेंगे। लंबोधर ये समास पद है। जब विग्रह करेंगे लंबोधर का, लंबा है उधर जिसका, उधर जिसका। ठीक है दोस्तों, उधर से मतलब पेट से होता है। लंबा है उधर जिसका कौन है? गणेश। त्रिलोचन तीन लोचन का जब हम विग्रह करेंगे, तीन नेत्रों वाला। तीन नेत्रों वाला तो दोस्तों कौन है? तीन नेत्र किसके हैं? शिव जी के तीन नेत्र होते हैं तो शिव आएगा। पीतांबर पीला है अंबर, पीला है अंबर तो दोस्तों कौन है? श्री कृष्ण। पीला है अंबर, पीतांबर का पीला है अंबर जिसका, वह है श्री कृष्ण। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ ऐसे उदाहरणों को समझेंगे जो बहुव्रीहि और द्विगु होते हैं, द्विगु और क्रमधारय होते हैं, द्विगु और क्रमधारय होते हैं। और हमने बताया फिर बहुव्रीहि या क्रमधारय होते हैं, तो उनके बारे में कुछ उदाहरण लेंगे और उनमें ये समझेंगे कि उस कंडीशन में हम उत्तर अपना कौन से को लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरणों के बारे में समझेंगे जो हमारे द्विगु बहुव्रीहि क्रमधारय, ठीक है, इनमें जो क्या होता है, इनका मिश्रण होता है। तो आप देखिएगा हम इनकी पहचान एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, और जब एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो हम आंसर में कौन सा आंसर, मतलब आंसर हम कौन सा टिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पंचवटी है, पंचवटी पाँच वटों का समाहार है, पंचवटी पाँच वटों का समाहार है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? द्विगु समास है। हमने द्विगु समास में पढ़ा था, द्विगु समास का जो प्रथम
देखो समाज में जो हमारा होता है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और उसमें जो हमारा विशेषण है, जो विशेषण होगा हमारा क्या होगा, संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी है तो इसमें पांच है, पांच क्या है, संख्यावाचक है। फिर पंचवटी का क्या है, पांच वटों से घिरा निश्चित स्थान है, दंडकारण्य है, जहाँ राम जी ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में रुके थे, वे वनवास के दौरान। तो ये कौन सा समास बनेगा हमारा, भावरी समास, भावरी समास। तो दोस्तों अगर एग्जाम में हमारा ये दे रखा हो पंचवटी, तो हमें आंसर क्या कौन सा लगाएंगे, आंसर हम लगाएंगे भावरी समास इस केस में, जबकि हमारा द्विगु और बहुवरी दोनों ही ऑप्शन में दे रखा होगा, तो हम बहुवरी को हम अपना आंसर लगाएंगे। अदरवाइज अगर बहुवरी नहीं दे रखा होगा तो हम द्विगु लगाएंगे। उसके बाद है नीलकंठ, ठीक है दोस्तों, नीलकंठ है, नील है जो कंठ, तो क्या है नील, नील विशेषता बता रहा है कंठ की, तो इस हिसाब से कौन सा समास हुआ है, यह हुआ फिर हमारा कर्मधारय समास। और इसमें जो हमने पहचान चिन्ह बताए थे, है जो, के रूपी, के समान आदि शब्द आते हैं विग्रह करने पर, यहाँ है जो आया है, तो ये कौन सा है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। फिर नीलकंठ का हम फिर क्या लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका, तो कौन है, शिव जी हैं, तो इस केस में क्या है हमारा, भावरी समास है, क्योंकि हमारे इसमें अगर विग्रह करने पर हम क्या देख रहे हैं, ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद हमारा प्रधान है, यानी कि अप्रधान है दोनों पद, तो हमारा तीसरा पद निकला है कोई, तो क्या है, शिव, ठीक है दोस्तों, तो हम आंसर में शिव को ही सही करेंगे, भावरी समास। ठीक है दोस्तों, अब तक आपके समझ में तो आ गया होगा कि अगर हमारा द्विगु समास और भावरी समास, क्रमधारय और बहुवरी समास दे रखा हो, तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे, उस केस में हम बहुवरी को ही आंसर लगाएंगे। इसके बाद एक उदाहरण और समझेंगे, नवरत्न, नवरत्न क्या है, नौ रत्नों का समूह, ये कौन सा जाएगा, नौ रत्नों का समूह क्या होगा हमारा, बता सकता है कोई, तो नौ रत्नों का समूह हमारा बनेगा दोस्तों द्विगु समास। क्योंकि इसमें हमारा जो है विशेषण, जो रत्नों की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो पहला शब्द है नव है, नव का क्या है, नौ, तो नौ हमारा संख्यावाचक शब्द है, ठीक है दोस्तों। और ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो है जो हमारा है क्या आया, है जो शब्द आया है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। तो द्विगु और कर्मधारय समास में आप समझ लें एक बार, द्विगु समास में जो हमारा वो होता है विशेषण, तो हमारा वो होता है संख्यावाचक, जबकि कर्मधारय में हमारा जो विशेषण होता है संख्यावाचक होना जरूरी नहीं है। इसके बाद में हम दोस्तों समास और संधि में जो अंतर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप इसका इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम संधि और समास के बारे में जो अंतर है और थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहलाती है। कहलाती है तथा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, समास के समस्त पद को अलग लिखने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, प्रक्रिया विग्रह, समास विग्रह बोल सकते हैं, विग्रह कहलाती है। ये तो हमारा एक पॉइंट होगा। नंबर दो हमारा पॉइंट यह है, संधि वर्णों के मेल से बनती है, संधि वर्णों के मेल से
पंक्ति है। दोस्तों वर्ण, वर्णों के बारे में हमने वर्णमाला में पढ़ा था। संधि वर्णों के मेल से बनती है। समास या समस्त पद, समस्त पद समास में समस्त पद, समस्त पद शब्दों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है दोस्तों, नंबर तीन हमारा समास में विभक्तियों का लोप, विभक्तियों का लोप होता है। संधि में, संधि में हमारा वर्णों का लोप होता है, वर्णों का लोप होता है। ठीक है, तो आपको हमारा जो है समास का चैप्टर हमने कैसे पढ़ाया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाएंगे। और मैं आशा के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हमने समास पढ़ाया है परीक्षा की दृष्टि से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमारे ने जो समास पढ़ाया उससे बाहर आएगा, और आप इसी के साथ कंटिन्यू वे में तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।